दिस इज प्रजक्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पुरानी नोटबुक से हैंडमेड पेपर बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हैंडमेड पेपर इज सो मच फन। इन पेपर्स को आप पेंटिंग के लिए यूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप इनसे ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। मार्केट में आपको एक A4 साइज का हैंडमेड पेपर 10 से 20 रुपीज में मिल जाएगा, लेकिन आप घर पर ही बहुत सारे हैंडमेड पेपर्स जीरो कॉस्ट में बना सकते हैं। ये हैंडमेड पेपर रिसाइकलिंग का स्कूल प्रोजेक्ट भी बन सकता है। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ फेल्ड अटेम्प्ट, उनके रीजंस और उन्हें ठीक करने के तरीके बताए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर बनाने के लिए मैं यहाँ मेरे बेटे की पुरानी नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। ये नोटबुक पूरी भर चुकी है और अब उसके कुछ काम की नहीं है। इन्हीं बेकार पन्नों से हम बनाएंगे घर में सबके बड़े काम आने वाले हैंडमेड पेपर्स। हैंडमेड पेपर्स बनाने के लिए नोटबुक के कुछ ही पेजेस हमें चाहिए। थोड़े से पेजेस से हम बहुत सारे हैंडमेड पेपर बना सकते हैं। नोटबुक के पेजेस के हम बारीक टुकड़े करेंगे और सारे पीसेस को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मुझे ज़्यादा हैंडमेड पेपर्स बनाने थे तो मैंने ज़्यादा पेजेस के पीसेस बना के रखे थे, उन्हें भी ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। सारे पेपर के टुकड़े पानी में अच्छे से भीग जाए इतना पानी हमें डालना है। जब हम घर में कुछ पेपर क्राफ्ट करते हैं तब बचे हुए पेपर के टुकड़े भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। इन पेपर के टुकड़ों को हम ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। ओवरनाइट भीगने के बाद हम इन्हें मिक्सर जार में पीस लेंगे। मिक्सर जार में पीसने के लिए इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कितना पानी रखा है, लेकिन मैंने इस जार को फुल भर दिया इसलिए इन्हें ग्राइंड करते वक्त पानी थोड़ा बाहर आ रहा था। तो मैंने पेपर को हाफ क्वांटिटी में लेके मिक्सर में ग्राइंड किया। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। अब इस पेस्ट को बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी के पेपर को भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ बाउल्स लेके उनमें ये पेस्ट ट्रांसफ़र करूँगी। मैंने यहाँ एक छोटा सर्विंग स्पून लिया है। हर एक बाउल में 3 स्पून मेजर करके मैं ये पेस्ट डिवाइड करूँगी। इस पेस्ट को 4 बाउल में डिवाइड करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारी पेस्ट बची है। ये जो पेस्ट हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड की थी उसमें हम कलर पेपर बनाएंगे। कलर पेपर बनाने के लिए आप कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। एक बाउल में मैंने वाइट एक्रेलिक कलर ऐड किया है। यह कलर अदर टाइप के कलर के कंपैरिजन में थोड़ा थीन होता है। दूसरे बाउल में मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा देर तक ऐसे ही रखेंगे तो इसका कलर थोड़ा रेडिश बन जाता है। तीसरे बाउल में मैं ले रही हूँ फैब्रिक ब्राउन कलर। ये कलर एक्रेलिक कलर से थोड़ा थिक होता है। आप आपके मनपसंद या फिर अवेलेबिलिटी के अनुसार कलर यूज़ कर सकते हैं। चौथे बाउल में मैं यूज़ कर रही हूँ थिक एक्रेलिक कलर। आप देख सकते हैं ये बहुत ही थिक कलर है। सारे कलर्स अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में प्लेन पेस्ट रखा है और 4 में कलर ऐड किया है। अब हम देखेंगे आगे की प्रोसेस। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और हर घर में ये ज़रूर होती है। हमें और 2 प्लेट्स चाहिए। एक प्लेट छन्नी की साइज़ की लगेगी और एक बड़ी। अब हमें ऐसा बाउल चाहिए जिसमें हमारी छन्नी आसानी से डीप हो सके। ये देखिए छन्नी से बड़ा बाउल हमने लिया है और उसके हाफ तक हम पानी भर लेंगे। रेगुलर पेपर हो या कलर पेपर बनाने की प्रोसेस सेम ही है। तो मैं यहाँ ग्रीन पेपर पहले बना रही हूँ। अब हमने जो ग्रीन कलर मिक्स करके पेस्ट रखी थी उसे इस छन्नी में डाल देंगे। मार्केट जैसा पतला पेपर बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 या 2.5 स्पून पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को हल्के हाथ से स्टर करेंगे ताकि पेपर का पेस्ट इवनली स्प्रेड हो जाए और फिर इसे 1 या 2 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अगर आपकी छन्नी की साइज़ छोटी है तो आप और भी कम पेस्ट यूज़ कर सकते हैं।
अब इस छन्नी को उठाएंगे और सारा पानी निकल जाने तक इसे ऐसे ही पकड़े रखेंगे। जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है वैसे वैसे पेपर का कलर लाइट हो रहा है। सारा पानी निकल जाने के बाद हम छन्नी को छोटी प्लेट पर रखेंगे जो छन्नी के साइज की है। आप देख सकते हो सारा कलर पानी में उतर गया है और पेपर को जो कलर आया है वो बहुत ही लाइट है। अब हम बड़ी प्लेट और किसी सपोर्ट की मदद से छन्नी को टेढ़ा करके रखेंगे ताकि पेपर में से ज़्यादा पानी निकल जाए। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में वाटर कंटेंट जितना कम होगा उतना ही आपका पेपर अच्छे से निकल कर आएगा। मैंने 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही रखा था। आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी निकल गया है लेकिन अब भी बहुत पानी इस पेपर में बाकी है। इस बचे हुए पानी को निकालने के लिए हम आगे की स्टेप करेंगे। यहाँ मैं एक टर्किश का टॉवल और पुरानी कॉटन की साड़ी यूज़ कर रही हूँ। तीसरा कॉटन का कपड़ा यूज़ करके हम पेपर में जो पानी है उसे सोक कर लेंगे। इस प्रोसेस के लिए आप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी आपको निकालना है लेकिन आपको ये काम स्लोली और बहुत ही हल्के हाथ से करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो पेपर बनने से पहले ही फट सकता है। जितनी देर आप छन्नी को टेढ़ा रखेंगे उतना ही आगे का प्रोसेस कम होगा। आप देख सकते हैं कि साड़ी का सेकेंड लेयर भी कितना पानी सोख कर रहा है। अब हम हल्के हाथ से साड़ी के लेयर्स निकालेंगे। अगर आपने पानी सोख करते वक्त ज़्यादा प्रेशर दिया है तो इस स्टेप में पेपर साड़ी को चिपक कर आ सकता है। ये कॉटन की साड़ी क्लीन निकल कर आई है तो हमारा पेपर भी अच्छा निकल कर आएगा। अब मैं और एक पुरानी साड़ी ले रही हूँ जिसके ऊपर मैं इस पेपर को सुखाऊंगी। सुखाने के लिए जो कपड़ा आप यूज़ करने वाले हैं अगर वो प्लेन नहीं है तो आपका पेपर भी प्लेन नहीं बनेगा। छन्नी को उल्टा करके हम साड़ी पर रखेंगे और हल्के हाथ से छन्नी पर टैप करेंगे। आपका पेपर अच्छे से नीचे कपड़े पर उतरेगा। अगर पेपर थोड़ा फोल्ड होता है तो आप इसे हल्के हाथ से प्लेन कर सकते हैं। ये पेपर बनाते वक्त आप ड्राइड फ्लावर्स भी पानी के साथ छन्नी में डाल सकते हैं। उससे आपके पेपर पर अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। इसी तरह से मैं सारे पेपर्स बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फैब्रिक ब्राउन कलर है। जब पेपर में से पानी निकल जाता है तो पेपर का कलर बहुत ही लाइट हो जाता है। पेपर में वाटर कंटेंट जितना कम होगा उतना ही हमारा पेपर अच्छे से निकल कर आएगा। ये देखिए हमारा पेपर कितना क्लीन निकल कर आया है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड एज सून एज आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। इन पेपर्स को कलर करने के लिए आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये कलर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करने पड़ेंगे। आपने देखा है कि जब हम पेपर को पानी से निकालते हैं तब कलर पानी के साथ बह जाता है और पेपर का कलर बहुत ही लाइट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने येलो, ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर्स यूज़ किए हैं। मैं फिर से एक बार बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको थिन पेपर चाहिए तो आप कम क्वांटिटी में पेपर मैशे यूज़ करें। फूड कलर यूज़ करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा क्योंकि सारा कलर पानी में उतर गया और पेपर बहुत ही लाइट कलर का बना। आप देख सकते हैं पूरा ऑरेंज कलर पानी में बह गया है और पेपर का कलर बहुत ही लाइट बना है। तो ऑरेंज कलर की तरह येलो और ग्रीन कलर का पेपर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब मैं आपको मेरे फेल्ड अटेम्प्ट दिखाती हूँ जिनको मैंने बाद में ठीक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस पेपर में वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा है। यह हमारी सबसे पहली मिस्टेक होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी छन्नी से ड्रेन करना चाहिए, इसलिए आप छन्नी को 15 से 20 मिनट तक या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम प्लेट में टेढ़ा करके रखें। हमारी दूसरी मिस्टेक होती है कि हम जब कॉटन क्लॉथ से पानी को सोक करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर यूज़ करते हैं, इस वजह से हमारा पेपर छन्नी में सेपरेट हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो आप पेपर को हल्के हाथ से जोड़ सकते हैं। हमारा पेपर अभी भी गीला है तो वो आसानी से जुड़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप पेपर को वापस से पानी में डालकर सारे प्रोसेस रिपीट करें। सारे पेपर्स को 12 से 18 घंटों तक सुखाने के बाद हमें हमारे कलरफुल एंड ब्यूटीफुल हैंडमेड पेपर्स मिल गए हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पेपर्स को कितना सुंदर कलर आया है। ऑलमोस्ट ऑल पेपर्स को पेस्टल कलर मिला है। ये जो पेपर्स है ये मैंने हल्दी पाउडर से बनाए थे। बनाते वक्त ही ये पेपर थोड़े से फट गए थे, बट नो इश्यूज़ क्योंकि आप इन्हें ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। पेपर मैशे का पेस्ट कम ज़्यादा यूज़ करके मैंने यहाँ पर अलग अलग थिकनेस के पेपर बनाए हैं। इस पेपर को बनाते वक्त मैंने छन्नी में कलर्ड पेपर के कुछ फ्लावर्स डाले थे। इन फ्लावर्स की वजह से इस पेपर को कितना सुंदर लुक आया है। एक पेपर बनाते बनाते फट गया था तो मैंने उस पर ये सुंदर सा ड्राइंग बना के उसे भी यूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसान है हैंडमेड पेपर बनाना। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।